कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार आगे चल रहे हैं, मदद बढ़ाई है, आपने कैसा महसूस कर रहे हैं? एक मिनट महसूस कर रहे हैं जी? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, जैसा हमें उम्मीद थी बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से ही जो है हर जगह पर बड़ी ज़बरदस्त बढ़त मिली हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ फतेहबाग जो विधानसभा है उसमें 2 ही राउंड में 10,000 के करीब की लीड है। ओवरऑल जो है पूरी सिरसा लोकसभा के अंदर भी जो है वो 20-22 हज़ार के करीब की लीड है, हर जगह से लीड मिल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है। लोग उत्सुक थे यहाँ पर कमल का फूल खिलाने के लिए सिरसा लोकसभा में, और जो उन्होंने अब करके भी दिखाया है जिसका कि रुझान से पता लग रहा है। कि कितने वोटों से आप जीत मानते हैं, कितने वोटों से लाखों में जाएगी? देखिए जीत जो है जैसे आप ये देखिए जो जिस तरह से रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से जो है अभी सिर्फ 1-2 राउंड आए हैं, और उसमें भी 1-2 राउंड में भी अगर हम टोटल 20-25 हज़ार के करीब अगर लीड ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि टोटल 17 राउंड है। 17 राउंड के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों में जो है जीत जाएगी। हरियाणा में भी पूरी 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जैसा कि अपेक्षित था और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मतदाताओं ने मतदान किया है, और पूरी 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वो केंद्र में बनने जा रही है, जिसकी हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही जो है रुझान देखने को मिल रहा है और वैसा ही मुझे लग रहा है। एनडीए का पूरा बहुमत मान लीजिए, बिल्कुल एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो जो है वो 280 के पार जाएंगी और एनडीए का पूर्ण बहुमत रहेगा। एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जनता को बीजेपी को अपनाने का क्या कारण? कारण यही रहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह के काम हुए उनको लोगों ने मोहर लगाने का काम किया, और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने भी काम हुए उन कामों को लोगों ने सराहा है। इसका मतलब ये है कि विकास को लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की जो एक जो हमारा नारा था उसको लोगों ने मोहर लगाया कि सचमुच जो है वो केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास करने का काम किया है। और इसीलिए आप ये देखिए रिपीट हुई है सरकार, पहले जो सरकार थी बिल्कुल वैसे ही उसके हिसाब से बल्कि उससे और भी ज़्यादा मैं कहूँगी बेहतर तरीके से दमदार तरीके से हम लोग जो है वो सत्ता में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं केंद्र ने भी और राज्य ने भी उस पर मोहर लगाने का काम किया। देखिए ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है कि जब आपको ये नजर आ रहा है, देखिए लोकतंत्र है ये, लोगों को पूरा हक बनता है हर मतदाता को अपना जो भी है मतदान का प्रयोग करने के बाद अपनी जो उनकी विचारधारा है जो उनकी मंशा है वो ईवीएम के तहत ही वो प्रकट करते हैं, और उस ईवीएम में जो उनकी मन की भावना जो उसके अंदर एकत्रित है उसके ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जनमानस के मन भावनाओं के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, तो मुझे लगता है कि सबको हर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को बुरी तरह से नकार दिया है उसमें, ये देखिए मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है, मतदाता ने अब की बार क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल नकार दिया है, और उन्होंने राष्ट्रीय जो दल है राष्ट्रीय पार्टी है उनको ही उन्होंने तवज्जो दी है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लग रहा है कि जहाँ कहीं पे भी हम देखें मुकाबले में अगर कहीं कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही नजर आ रही है। तो क्षेत्रीय दल जो है विलय कर लेना चाहिए उनको नेशनल पार्टी, ये क्षेत्रीय दलों को देखना चाहिए कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि लोगों ने क्षेत्रीय दल को बिल्कुल नकार दिया, सिरे से नकार दिया। जिस तरह सिरसा से परिणाम सामने आ रहे हैं, आप सिरसा सत्र लोकसभा सत्र में घूमे थे, क्या समस्याएं लोगों के सामने आई थी और आप जीतती है तो प्राथमिक काम क्या करेंगे? ऐसे देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने नोटिस किया है सबसे पहला जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर जो है नशा किस तरह से बिल्कुल खत्म हो जाए, और जो हमारा युवा जो है वो मेन स्ट्रीम में आकर यहाँ के विकास की जो है उसमें अग्रसर हो, तो ये मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी। और उसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हम केंद्र से ला सकते हैं वो हम लेकर आएँ, चाहे मेडिकल कॉलेज एम्स के लेवल का कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, रेलवे की मेरी कोशिश रहेगी कि रेलवे से कनेक्टिविटी जो है पूरे हिंदुस्तान की यहाँ से बने, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बेटियों के लिए खासकर अगर कोई यूनिवर्सिटी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर ला सके तो वो भी मेरी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी। कुछ भी केंद्र से ऐसा आए कि जो नज़र आए कि जो सांसद ने जो है वो कोशिश की और कोशिश करके सांसद ये लाने में कामयाब हुआ, जैसे कि हमारा पिछला कोई भी सांसद, या आप ये बताइए कितने सालों में आप एमपी रहे, आपने सिरसा के लिए क्या किया? क्योंकि मैं देखिए भटिंडा भी मैं गई थी, वहाँ पर जो हरसिमरत कौर जी थे उनके लिए मैंने कन्वेंसिंग की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात देखकर कि उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर आई, पिछले 10 सालों से वहाँ पर सांसद हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर लेकर आई, मेडिकल कॉलेज एम्स के लेवल का वो वहाँ पर जो है वो चल रहा है, और इसके साथ हवाई अड्डा वो लेकर आई। तो उनके कहने को उनके पास एक सांसद होने के नाते इतना कुछ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सांसद रहे किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है।
तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सांसद होने के नाते जो भी केंद्र से योजनाएं हैं वो भरपूर तरीके से हमारे एरिया के अंदर आने चाहिए और हमारा एरिया के जो लोग हैं वो उसका फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। पहली बार कमल सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार आगे चल रहे, बड़ा बढ़िया है। आपने कैसा महसूस कर रहे हैं? एक मिनट महसूस कर रहे हैं जी? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, जैसा हमें उम्मीद थी बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से ही जो है हर जगह पर बड़ी जबरदस्त बढ़त मिली हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ फतेहबाग जो विधानसभा है उसमें दो ही राउंड में 10,000 के करीब की लीड है। ओवरऑल जो है पूरी सिरसा लोकसभा के अंदर भी जो है वो 20-22,000 के करीब की लीड है, हर जगह से लीड मिल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है। लोग उत्सुक थे यहाँ पर कमल का फूल खिलाने के लिए सिरसा लोकसभा में, और जो उन्होंने अब करके भी दिखाया है जिसका कि रुझान से पता लग रहा है। कितने वोटों से आप जीत मानते हैं? कितने वोटों से लाखों में जाएगी? देखिए जीत जो है, जैसे आप ये देखिए जो जिस तरह से रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से जो है अभी सिर्फ एक दो राउंड आए हैं, और उसमें भी एक दो राउंड में भी अगर हम टोटल 20-25,000 के करीब अगर लीड ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि टोटल 17 राउंड के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों में जो है जीत जाएगी। हरियाणा में भी पूरी दस सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जैसा कि अपेक्षित था और जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मतदाताओं ने मतदान किया है, और पूरी 10 की 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वो केंद्र में बनने जा रही है, जिसकी हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही जो है रुझान देखने को मिल रहा है और वैसा ही मुझे लग रहा है। एनडीए का पूरा बहुमत मान लीजिए? बिल्कुल, एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो 280 के पार जाएंगी और एनडीए का पूर्ण बहुमत कारण यही रहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह के काम हुए उनको लोगों ने मोहर लगाने का काम किया, और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने भी काम हुए उन कामों को लोगों ने सराहा है। इसका मतलब ये है कि विकास को लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की जो एक जो हमारा नारा था उसको लोगों ने मोहर लगाया कि सचमुच जो है वो केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास करने का काम किया है। और इसीलिए आप ये देखिए रिपीट हुई है सरकार, पहले जो सरकार थी बिल्कुल वैसे ही उसके हिसाब से बल्कि उससे और भी ज़्यादा मैं कहूँ कि बेहतर तरीके से दमदार तरीके से हम लोग जो है वो सत्ता में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं केंद्र ने भी और राज्य ने भी उस पर मोहर लगाने का काम किया। देखिए ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है कि जब आपको ये नजर आ रहा है, देखिए लोकतंत्र है ये, लोगों को पूरा हक बनता है हर मतदाता को अपना जो भी है मतदान का प्रयोग करने के बाद अपनी जो उनकी विचारधारा है जो उनकी मंशा है वो ईवीएम के तहत ही वो प्रकट करते हैं, और उस ईवीएम में जो उनकी मन की भावना जो उसके अंदर एकत्रित है उसके ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जनमानस के मन भावनाओं के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, तो मुझे लगता है कि सबको हर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को बुरी तरह से नकार दिया है उसमें, ये देखिए मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है, मतदाता ने अब की बार क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने राष्ट्रीय जो दल है राष्ट्रीय पार्टी है उनको ही उन्होंने तवज्जो दी है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लग रहा है कि जहाँ कहीं पे भी हम देखें मुकाबले में अगर कहीं कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही नजर आ रही है। तो क्षेत्रीय दल जो है विलय कर लेना चाहिए उनको नेशनल पार्टी, ये क्षेत्रीय दल उनको देखना चाहिए कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि लोगों ने क्षेत्रीय दल को बिल्कुल नकार दिया, सिरे से नकार दिया। जिस तरह सिरसा से परिणाम सामने आ रहे हैं, आप सिरसा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में घूमे थे, क्या समस्याएं लोगों के सामने आई थी और आप जीत किया तो प्राथमिक काम क्या करेंगे ऐसे? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने नोटिस किया है सबसे पहला जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर जो है नशा किस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो हमारा युवा जो है वो मेन स्ट्रीम में आकर यहाँ के विकास की जो है उसमें अग्रसर हो, तो ये मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी। और उसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हम केंद्र से ला सकते हैं वो हम लेकर आएँ, चाहे मेडिकल कॉलेज एम्स के लेवल का कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, रेलवेज की मेरी कोशिश रहेगी कि रेलवे से कनेक्टिविटी जो है पूरे हिंदुस्तान की यहाँ से बने, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बेटियों के लिए खासकर अगर कोई यूनिवर्सिटी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर ला सके तो वो भी मेरी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी। कुछ भी केंद्र से ऐसा आए कि जो नज़र आए कि जो सांसद ने जो है वो कोशिश की और कोशिश करके सांसद ये लाने में कामयाब हुआ, जैसे कि हमारा पिछला कोई भी सांसद, क्या आप ये बताइए कि इतने सालों में आप एमपी रहे आपने सिरसा के लिए क्या किया? क्योंकि मैं देखिए भटिंडा भी मैं गई थी, वहाँ पर जो हरसिमरत कौर जी थे उनके लिए मैंने कन्वेंसिंग की,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात देखकर कि उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर आई, पिछले 10 सालों से वहाँ पर सांसद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर लेकर आई, मेडिकल कॉलेज एम्स के लेवल का वो वहाँ पर जो है वो चल रहा है, और इसके साथ हवाई अड्डा वो लेकर आई। तो उनके कहने को उनके पास एक सांसद होने के नाते इतना कुछ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सांसद रहे किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सांसद होने के नाते जो भी केंद्र से योजनाएं हैं वो भरपूर तरीके से हमारे एरिया के अंदर आने चाहिए और हमारा एरिया के जो लोग हैं वो उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। पहली बार कमल खिल रहा है तो क्या इसका